प्रिय वेली साथियों, मैं रतन तापड़िया CSE SPV हेड ऑफिस से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और आप अपना बिजनेस बढ़िया कर रहे होंगे। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए हम एज ए CSE एक नया प्लान आपके लिए लेके आए हैं जो कि हम अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है तो कई बार आपके सामने कस्टमर की क्वेरीज रहती होंगी कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए प्लान चाहिए या मुझे बीच में पैसे चाहिए, प्लान पूरा गारंटीड होना चाहिए, लाइक दैट। सो इसी में LIC ने एक नया प्लान लॉन्च किया है CSE के थ्रू, जिसका प्लान का नाम है LIC धनरेखा और प्लान कोड है प्लान 863। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है LIC की, बिकॉज जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई ये सारी चीजें इस पॉलिसी में अवेलेबल है। सो सबसे पहले तो ये नॉन लिंक्ड पॉलिसीज है, नॉन पार पॉलिसीज है, फुल्ली गारंटीड पॉलिसीज है। हमने पिछले वीडियोस में आपको ये नॉन पार, नॉन लिंक्ड ये सारा चीज डिस्क्राइब किया था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज पता होगी। बट फिर भी एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि गारंटीड पॉलिसीज है, मींस कि डे वन पे कस्टमर को ये पता रहेगा कि मेरी पॉलिसी में मेरी मैच्योरिटी कितनी आएगी या मुझे उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस प्लान को समझते हैं कि ये प्लान है क्या। सबसे पहले प्लान की एंट्री एज हम जानते हैं कि इस प्लान को कौन 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 एलिजिबल है जो इसमें अपने आप को इंश्योर करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एंट्री एज जो है वो 18 साल से लेके 55 साल तक की एंट्री एज रहेगी, मींस 18 साल और 55 साल के बीच का कोई भी इंसान इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी का जो टेन्योर है वो एक ही टर्म है हमारे पास अवेलेबल है, वो है 20 साल के लिए, राइट। अब जैसा मैंने कहा कि लिमिटेड प्रीमियम होना चाहिए, मनी बैक आना चाहिए, तो वो सारे फीचर्स इसमें है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो आपको प्रीमियम पे करना है वो जितने साल का आपका पॉलिसी टर्म है उसका आधा आपको प्रीमियम जमा करना है। सबसे बड़ा इसका यूनिक पॉइंट हो गया कि लिमिटेड टाइम के लिए। यहाँ पे हमारे पास में जो पोर्टल पे पॉलिसी अवेलेबल है वो है 20 साल के लिए, तो आइडियली कस्टमर को 10 साल प्रीमियम पे करना है और अगले 10 साल उसको प्रीमियम नहीं पे करना है, बट उसकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी और उसका इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा, प्लस उसपे जो भी गारंटीड एडिशन एड ऑन होने हैं वो उसमें एड ऑन होते रहेंगे। सेकेंड आता है मनी बैक। मनी बैक जो है वो जनरली हम ये देखते हैं कि अगर कंपनी मनी बैक देती है तो एंड पे मैच्योरिटी के टाइम में पूरा समेश्योर पे नहीं करती है, उसमें से मनी बैक वापस माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग समेश्योर बचता है वो पे करते हैं। लेकिन इस प्लान की खूबसूरती ये है कि ये आपको मनी बैक तो देगा ही देगा, मनी बैक के साथ साथ जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट प्लस इसका जो गारंटीड एडिशन मिलेगा वो आप कस्टमर को एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट जाएगा। इसमें जो मनी बैक है वो मनी बैक ये है कि पहले आपको 10th ईयर पे मनी बैक आएगा, सेकंड मनी बैक कस्टमर को 15th ईयर पे आएगा, और जो मनी बैक है वो भी फिक्स है, जो भी आपका समेश्योर रहेगा उसका 10% आपको मनी बैक आएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी कस्टमर ने 10 लाख का समेश्योर ले रखा है तो 10वें साल पे उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपए उसको 10वें साल पे मिल जाएगा और 15वें साल पे फिर से उसको 1 लाख रुपए मिलेगा और मैच्योरिटी पे उसको अगेन 10 लाख रुपए जो उसका सम एश्योर्ड था प्लस गारंटीड एडिशन उसको मैच्योरिटी पे मिलेगा। थर्ड इसमें आता है कि ये तो हो गया हमारा मनी बैक, अब इसमें गारंटीड एडिशन क्या है। इसमें गारंटीड एडिशन ये है कि पर 1,050 रुपीज इसमें गारंटीड एडिशन ऑलरेडी LIC ने डिक्लेयर कर रखा है इस पॉलिसी में, तो ये जो गारंटीड एडिशन है ये कस्टमर के 6 साल से लेके 20वें साल तक उसको हर साल गारंटीड एडिशन आता रहेगा। और जो ये 50 रुपीज पर 1,000 जो बोनस है ये बोनस हमेशा समेश्योर्ड पे डिक्लेयर होता है। अगर किसी कस्टमर का समेश्योर्ड अगर 10 लाख रुपए है तो हर साल उसके गारंटीड एडिशन के रूप में 50,000 रुपीज एड ऑन होते रहेंगे। इसको ये तो हो गए हमारे प्लान के फीचर्स और इसको एक एग्जांपल की तरह हम समझते हैं कि एक कस्टमर है, उन्होंने पॉलिसी लिया 20 साल के लिए और समेश्योर्ड लिया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए समेश्योर्ड लेने के साथ साथ अब उनका जो मैच्योरिटी बेनिफिट बनेगा वो क्या बनेगा। सबसे पहले तो उसको 2 बार मनी बैक आएगा साल पे और 10वें साल पे, तो 2 लाख रुपए ये हो गए, प्लस उसको हर साल जो गारंटीड एडिशन एड ऑन होना है वो 15 साल के लिए एड ऑन होना है, क्योंकि 6th ईयर से लेके 20th ईयर तक उसको गारंटीड एडिशन एड ऑन होगा।
सो 1,050 रुपीज पर 1,000 है, तो 50,000 के हिसाब से हर साल उसका गारंटीड एडिशन हुआ, 50,000 रुपए उसके अकाउंट में मतलब पॉलिसी में एड ऑन होता रहेगा, तो 50,000 के हिसाब से 15 साल का जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500,000 रुपए उसका गारंटीड एडिशन हो गया, तो टोटल मिला के अब उसकी जो मैच्योरिटी बनेगी वो बनेगी 10,00,000 रुपए उसने सम एश्योर्ड हो गया, 7,500,000 रुपए उसका गारंटीड एडिशन हो गया और 2,00,000 रुपए उसका मनी बैक हो गया, टोटल मिला के 19,50,000 रुपए उसको एज ए गारंटीड उसकी पॉलिसी मैच्योरिटी पे मिलेगा। सो ये इस प्लान की खासियत है। अब आप इसमें देखा कि इसमें आपको मनी बैक भी आ गया, इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम भी हो गया, थर्ड आपको मैच्योरिटी पे पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिल रहा है और उसके साथ साथ उसके ओवर एंड अबो आपको गारंटीड एडिशंस मिल रहे हैं। सो मींस कि एक ही प्लान में कस्टमर्स को सारे फीचर्स अवेलेबल है, तो इससे हम ये हमारे लिए ईज है कि कस्टमर को सेल करना है तो हमारे लिए आसानी है कि हम कस्टमर को बड़े आराम से धनरेखा पॉलिसी के लिए कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी यही है, वो यही सब जो आपके फीडबैक्स थे उसके बेसिस पे ही LIC ने ये प्रोडक्ट तैयार किया है और इसको मार्केट में लॉन्च किया है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये प्लान आपको अच्छा लगेगा, आप इसमें होल हार्टली पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी सेल आप बढ़ाएंगे, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा और कस्टमर भी बेनिफिटेड रहेगा। धन्यवाद।